निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में दोषी फांसी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। उनके वकील लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस केस को किस तरह से लंबा खींचा जाए, दोषियों को किस तरह से बचाया जाए। चारों दोषियों में से एक अक्षय ठाकुर के पास फांसी से बचने के सारे कानूनी विकल्प खत्म हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी शनिवार को दोबारा से उसने दया याचिका दायर की। इस याचिका में अक्षय ने कहा कि पिछली बार दया याचिका पर सुनवाई के दौरान केस के हर बिंदु को ध्यान से नहीं समझा गया, न ही सुना गया। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट अक्षय की इस दया याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। फांसी की तारीख टाले जाने की मांग वाली अक्षय की याचिका पर तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस भेज दिया गया है। कोर्ट ने मामले में सुबह 10 बजे सुनवाई करने के लिए कहा है। दोषी ने राष्ट्रपति के पास संपूर्ण दया याचिका दायर करने के आधार पर यह मांग की है। अक्षय ठाकुर के वकील एपी सिंह की ओर से दया याचिका में कहा गया है कि पिछली बार जल्दबाजी में अधूरी याचिका दायर की गई थी। कहा गया था कि पहले की याचिका में दोषी अक्षय के हस्ताक्षर, शपथ पत्र, आर्थिक स्थिति, आपराधिक रिकॉर्ड जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं लगाए गए थे। न्यायहित में अक्षय ठाकुर की दया याचिका पर दोबारा सुनवाई की जाए। याचिका में अक्षय ने कहा है कि उसकी फांसी से उसकी पत्नी और उसके नाबालिग बच्चे भी प्रभावित होगा, उसके परिवार को सामाजिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इसमें मेरे परिवार की कोई गलती नहीं है। गौरतलब है कि अक्षय ठाकुर फांसी से बचने के लिए पुनर्विचार याचिका, क्यूरेटिव याचिका और दया याचिका पहले ही दायर कर चुका है और इसमें से ये सब खारिज हो चुकी है। निर्भया केस के सभी दोषी को 3 मार्च को फांसी पर लटकाए जाने की तारीख दी गई है। गौरतलब है कि इससे पहले शुक्रवार को दोषी पवन कुमार ने क्यूरेटिव याचिका दायर की थी। क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच 2 मार्च को सुनवाई करेगी। पवन ने अपनी अर्जी में कहा है कि वो घटना के वक्त नाबालिग था। इस मामले में उसकी रिव्यू याचिका खारिज हो चुकी है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।